आज हम देखेंगे शंटिंग के सामान्य नियम। इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों को अथवा इंजन को या किसी अन्य स्वनोदित वाहनों को गाड़ी के साथ जोड़ने, अलग करने या स्थान बदलने या और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाए उसे शंटिंग कहते हैं। शंटिंग के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, हाथ शंटिंग, लूज शंटिंग, हम शंटिंग या फ्लाई शंटिंग, पुश एंड पुल शंटिंग। आइए अब हम शंटिंग के सामान्य नियम जान लेते हैं। शंटिंग हेतु लोको पायलट को शंटिंग आदेश T806 प्राधिकार पत्र देना चाहिए। उस प्राधिकार पत्र पर शंटिंग का पूर्ण एवं स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। शंटिंग कार्य स्टेशन संचालन नियमावली SWR के अनुसार होना चाहिए। शंटिंग कार्य स्टेशन संचालन नियमावली में उल्लेखित परिचालन विभाग के कर्मचारी जैसे स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, गार्ड तथा शंटिंग मास्टर के पर्यवेक्षण में होना चाहिए। रोड साइड स्टेशन पर गाड़ी के कार्यभारी गार्ड को स्टेशन मास्टर के अनुदेशों के अनुसार अपनी गाड़ी से संबंधित सभी कार्य का पर्यवेक्षण स्वयं करना चाहिए। जब कोई गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पर मेन लाइन होकर शंटिंग कार्य हेतु ले जाई जा रही हो तो गार्ड ब्रेक यान में यात्रा करेगा। ऐसे समय ए ग्रेड पॉइंट्समैन द्वारा शंटिंग किया जाएगा। चालक स्वयं शंटिंग करेगा तथा शंटिंग की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सवारी गाड़ी के शंटिंग करते समय जब इंजन को जोड़ना हो तो पहले इंजन को सवारी डिब्बे से 20 मीटर की दूरी पर अवश्य खड़ा करना चाहिए और सावधानी पूर्वक इंजन को लोड पर लेना चाहिए जिससे यात्रियों को धक्का न लगे। शंटिंग कार्य के लिए होम सिग्नल तथा अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा। शंटिंग संचालन संबंधित सिग्नल या शंट सिग्नल को ऑफ करके किया जाएगा। सामान्यतः शंटिंग करते समय पूरी गाड़ी में निर्वात या एयर प्रेशर होना चाहिए। शंटिंग शुरू करने से पहले शंटिंग से संबंधित सभी कर्मचारियों को शंटिंग का पूरा विवरण समझ लेना चाहिए तथा गार्ड को उस स्टेशन पर लागू शंटिंग प्रतिबंधों की जानकारी लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति शंटिंग के बारे में पहले अनुदेश दे वह तब तक न तो अपने दिए गए अनुदेशों को बदलेगा और न तो काटो आदि को बदलने का प्राधिकार देगा जब तक वह स्वयं इस बात की तसल्ली न कर ले कि शंटिंग कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है और शंटिंग कराने वाले कर्मचारियों को अनुदेशों में किए जाने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिल गई है। जब शंटिंग करते समय वाहनों को बाह्यतम रोक सिग्नल के बाहर ले जाना हो तो अंतिम वाहन पर टेल लैंप या टेल बोर्ड या लाल झंडी लगाना चाहिए जिससे पता लग सके कि ब्लॉक सेक्शन से सभी वाहन आ गए हैं। डेड एंड वाली लाइन पर पुश बैक शंटिंग करते समय गाड़ी को डेड एंड से 20 मीटर पहले अवश्य खड़ा करना चाहिए। तत्पश्चात सतर्कता पूर्वक पुश बैक करना चाहिए ताकि डेड एंड से टक्कर बचाई जा सके। स्टेबल लोड क्लियर करते समय वुडन वेजेस सेफ्टी चेन को तभी निकाला जाए एवं हैंड ब्रेक तभी रिलीज किए जाएं जब इंजन लोड पर लग जाए तथा गाड़ी प्रेशर पर हो। यथासंभव जिस दिशा में स्थावर सिग्नल लगे हैं उसी दिशा में शंटिंग कार्य को प्राथमिकता दें, जिससे कि सिग्नल रहित संचालन ना हो। यदि शंटिंग कार्य के दौरान स्थावर सिग्नल ना हो अर्थात सिग्नल रहित संचालन करना हो तो संबंधित सभी सम्मुख एवं अनुमुख काटों को सेट, क्लैंप एवं तालिक अवश्य करें।
वाहनों को काटने के बाद उसे हाथ ब्रेक, वुडन वेजेस एवं सुरक्षा जंजीर से सुरक्षित करें। ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कार्य करना अपेक्षित हो तो नियमानुसार ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड नियम का पालन अवश्य करें। शंटिंग के दौरान हाथ सिग्नल का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसे इस प्रकार से दिखाना चाहिए कि वे चालक को स्पष्ट दिखाई दें। शंटिंग के दौरान कपलिंग को घिसटते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे उचित स्थान पर लगाना चाहिए। साथ ही होस पाइपों को डमी प्लग पर लगा देना चाहिए। वाहनों को काटते समय उन्हें उल्लंघन चिन्ह या डिरेलिंग स्विच के अंदर ही रखा जाना चाहिए।